एक मिनट की वीडियो में परफेक्ट स्पंज बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है और केक टिन में मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है, पार्चमेंट पेपर अच्छी तरीके से लगा दिया है, 2 कप प्रीमिक्स लिया है मैंने, उसमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है और इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स होने के बाद मैं इसे केक टिन में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको परफेक्ट OTG कैसे सेट करते हैं इसे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 160 डिग्री पे सेट किया है, साथ ही मैंने दोनों रॉड को ऑन किया है और 40 मिनट के लिए यहाँ मैंने टाइम सेट कर लिया है। 40 मिनट के बाद केक का स्पंज तैयार है और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट स्पंज तैयार हुआ है। केक के स्पंज को अपने आप ठंडा होने दें, पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही इसे आप कट करें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।